आप देख सकते हैं कि इस गांव में किस कदर का भीड़ है, और अगर भीड़ जहां पे सांप होता है वहां भीड़ जरूर होती है। अभी हम लोग बिलासपुर से 70 किलोमीटर दूर सोनपुर गांव जो मुंगेली के पास लगा हुआ वहां आए हुए हैं। और ये जो परिवार है उलेश्वर निर्मलकर जी है, जो भैया, इन्होंने हमें सुबह कॉल किया था कि सुबह 9 बजे से परेशान है और उनके घर में एक बिग साइज का स्पेक्टिकल कोबरा है। और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग अपने बिजी शेड्यूल के बाद, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो चलिए हम लोग उस सांप को रेस्क्यू करते हैं और इस गाँव में जिनके मन में वो उस सांप को लेकर जो भी गलत फहमियां है उसको दूर करते हैं। अरे भीड़ में मत कर ध्यान दो, देखिए यही इनका किचन है और ये लोग खाना वाना तो बनाए थे, बट सांप की वजह से इन लोगों ने जैसे तैसे मैनेज करके बर्तनों को खींच कर खाना तो खाया, लेकिन अभी लोग दिक्कत में फंसे हुए कि आखिर क्या करें। ये फुसकारा देख रही दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर का जो ऑनर है ये हमारे सब्सक्राइबर है और इनके बच्चे रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं, एक एक वीडियो को देखते हैं, और इनकी यही मंशा थी, गांव वाले मारने आए थे सांप को, किसी भी हाल में उसे बचाना है, तो इसके इनकी इन्हीं मंशा की वजह से हम 70 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके हम दूर यहाँ आए हैं, और आना जाना हमें 140 किलोमीटर पड़ जाएगा। देखिए कितना बिग साइज का कोबरा है, और आप इस सांप के शाइन देख कर समझ सकते हैं कि इसने अभी अभी खेचली उतारी है। से लंबा है यार, बहुत लंबा है, बताया ना कल 9 बजे देखा था मैंने, आओगे तो मारो। देखिए सांप इतना ज्यादा अलर्ट है कि ऐसे में रेस्क्यू करने के साथ साथ हम लोग साथ भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सांप सुबह से यहाँ फंसा हुआ है। देखिए किस तरीके से इनको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत भी नहीं होती, और देखिए कैसे ऊपर चढ़ जाते हैं। और देखिए जितने डिस्टेंस में अभी हम लोग हैं 70 किलोमीटर दूर है, और जिस तरीके से सांप अग्रेसिव है आप देख सकते हैं कि सांप कितने, अगर यहाँ हमारे साथ भी बाइट हो बना तो हम लोग शायद सही समय पर हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाएंगे और हमारा डेथ हो जाएगी। आप देख सकते हैं सांप का ये ऐसा रौद्र रूप होता है कि जिसको देख कर कोई भी आसानी से डरता है। ऐसी कंडीशन रहेगी तो किचन में काम करना तो पॉसिबल नहीं है। देखिए
देखिए, इस सांप को अलग से किसी पहचान की जरूरत नहीं है। ये सांप बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जहरीला सांप है। अगर ये काटता है और अगर आप सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो आपकी मौत निश्चित है। और खासकर गांव में लोग झाड़ फूक और उनको ये लगता है कि झड़वाने से शरीर से जहर उतर जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम लोग सिर्फ सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि जब भी सांप काटता है आप लोग सिर्फ हॉस्पिटल जाइए। झाड़ फूक और देसी इलाज में किसी का भी बचना मुमकिन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये जो सांप है इसने बहुत ज़्यादा फुकार मारा है और ये सब्जी या फिर वहाँ के चीज़ों पर था तो वो चीज़ें भी जहरीली हो जाती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ें जहरीली नहीं होगी, जब ये काटेगा तभी जहर जाएगा, वरना कोई भी चीज़ें जहरीली नहीं होती है। तो इसी के तरीके से हम चाहे डिस्टेंस कितना भी हो, लोग अगर परेशान है तो हम उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। दोस्तों, ये घर के ऑनर हैं और ये हैंडीकैंप है। और दूसरी बात कि इनकी जो माता जी है, क्या आपकी नहीं दादी दादी है, और दादी ने बताया था कि घर में सांप है। दादी माँ, आप कैसे देखे थे सांप को? चटनी पीसू के दोस्तों, ये दादी जो की है लोकल भाषा में ये बोल रही कि खाना खाने के लिए जब चटनी बनाई थी उसमें नमक डालने के लिए, नमक लेने गए हैं, तो उस समय इनके ऊपर अटैक किया कोबरा ने। सपोज अगर कोबरा इनको बाइट होता तो डैम श्योर ये ओल्ड एज है और इनका इम्यून सिस्टम हम यंग लड़कों से कम है, तो शायद वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो चलो, कहते ना जाको राके साया, मार सके ना कोई, तो अगर ऊपर वाले की मर्जी नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमारी यही मंशा थी कि किसी के साथ हादसा ना हो, और इनकी सबसे बड़ी मंशा है कि सांप बच जाए और इसे ना मारे। ओके, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो हर बार की तरह इस वीडियो में मैं लास्ट में इसलिए आ रहा हूँ, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ जो खड़े शख्स हैं इनकी महानता, इनकी विशेषता, तो आप लोगों को भी जान के बड़ा प्राउड फील होगा, बड़ा खुशी होगा कि ये गांव में ऐसे शख्स हैं। बता रहे हैं कि गांव में करीब 100 गाड़ियां हैं, बाइक है, कार है, लेकिन किसी को कोई मुसीबत आता है तो कोई हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को मुसीबत आने पे रात के चाहे 2 बजे चाहे 1 बजे निःशुल्क हमारी तरह वर्क करते हैं, अपनी गाड़ी देते हैं, चाहे किसी का कोई डिलीवरी केस हो, चाहे कोई बच्चा फंस गया हो, चाहे कोई किसी को बहुत बड़ा बीमारी एक्सीडेंट हो, किसी भी तरह का मुसीबत हो तो ये हेल्प करते हैं, चाहे पैसे से चाहे गाड़ी से। तो मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ। और आपकी परिचय मैं अपने कैमरे में देना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए अपना नाम। सर, मेरा नाम गोपी चंद सोनवानी सर, ग्राम सोनपुर है। और जैसे गरीब आदमी का जो मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद करके मुझे अपने आप में बहुत खुशी महसूस होती है, और उनसे पैसा वैसा कुछ नहीं लेता, मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहते ना कि एक हाथ अगर सहयोग के लिए हो तो लाखों की जान बचा सकते हैं। दूसरी बात, इन्हीं के साथ जो घर के ऑनर हैं, मैं इनको कैमरे में पहले भी परिचय दे चुका हूँ, ये हैंडीकैप है, एक पैर से विकलांग है, लेकिन सही में विकलांग नहीं है। हमारे 2 पैर होने के बाद भी हम विकलांग हैं, हमारे यंग लड़के विकलांग हैं, इनसे हमको सीख लेना चाहिए। इनके साथ मिलके काम करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, तो आप दोनों को मेरा सशस्त्र प्रणाम और सैल्यूट है। और हम सबको अपने देश के लिए ऐसा काम करना चाहिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और इससे भी धन्यवाद।